forget the day we met. Your eyes so blue, mere piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot sun and blessing in a magic world. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे R15 V3 के मोड्स या एसेसरीज के बारे में। ये बाइक मेरे फ्रेंड वसीम भाई की है। जो पहली चीज़ आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोलिक क्लच जो कि इन्होंने लगवाया है आफ्टर मार्केट। मोबाइल होल्डर यहाँ लगा हुआ है हैंडल पे, एंड एडजस्टेबल लीवर्स हैं बोथ साइड विद ट्रांसपेरेंट ब्रेक फ्लूड होल्डर। सेम चीज़ यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। ये हाइड्रोलिक क्लच है, इसमें वायर नहीं होता, जैसे आपका फ्रंट ब्रेक डिस्क ब्रेक काम करता है सेम वे में। ये छोटे छोटे मिरर्स, ये फ्रंट प्रोफाइल बाइक की, जिसमें कि आप देख सकते हैं डबल बबल वाइजर है, कुछ टेपिंग हो रखी है नीचे। ये क्या लगा हुआ है, डोंट नो। केटीएम के इसके अंदर फ्लैशर के साथ इंडिकेटर लगे हुए हैं। टायर्स के रिम्स भी पेंटेड हैं, टायर्स भी हाईलाइटेड हैं। एंड ये जो गोल्डन चीज़ आप देख रहे हैं फ्रंट फोक्स पे, ये टिंट है। फ्रंट फोक स्लाइडर्स भी लगे हुए हैं इस बाइक में, जो कि पीछे भी लगवा रखे हैं भाई ने। एंड साइड की बात करें तो फ्रेम स्लाइडर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ड्यूअल फ्रेम स्लाइडर हैं। मींस अपर पोर्शन में जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं ये भी, एंड प्लस जो ब्लैक पोर्शन में है ये देखिए, ये वाला ये भी। यही अगर मैं टैंक की बात करूँ तो टैंक पे आप देख सकते हैं R15 की ग्राफिक्स के साथ ही टैंक पैड है, जो कि हाफ ऑफ द टैंक को ऑलमोस्ट कवर कर रहा है। एंड फ्यूल लेट पे भी ये जो है पेस्ट किया हुआ है। अगर रेयर सीट की बात करें तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है रेयर सीट काउल। जी हाँ, ये आपने काफ़ी बड़ी बाइकों में देखा होगा, मीन्स लाइक हायाबुसा वगैरह में, बट यहाँ पर भी मेरे फ्रेंड ने इंस्टॉल कराया हुआ है। फ्लैशर चल रहे हैं KTM के इंडिकेटर्स में। प्लस आपने ये चीज़ नोट की होगी कि बैक जो लाइट है इसकी, ये भी फ्लैश कर रही है। तो जो फ्लैशर है ये भी KTM वाला ही फ्लैशर लगवाया हुआ है। टायर्स हाईलाइटेड हैं आगे। मड गार्ड भी इसमें वर्जन 2 का लगवाया हुआ है, कॉज पीछे जो है मड काफी आती है, खासकर रेनी सीजन में। ये बैक के फोक स्लाइडर्स इस साइड में भी देखिए, दोनों तरफ फ्रेम स्लाइडर हैं। और ये अंदर जो है ये हाइड्रोलिक क्लच का कंपोनेंट है कुछ, ये आगे से ओवरऑल लुक। लाइटिंग की अगर बात करें तो इंटरनल आप देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइट है, प्लस ये व्हाइट कलर की LED है जो टैंक पे बाउंड्री कर रही है लाइक आउटलाइन। रात को काफी अच्छी लगती है। एंड इंटरनल आप देख रहे हैं ब्लू कलर का लाइट जो है विजिबल है। ये जो है इसको हम कहते हैं मैनुअल ABS, हाँ शायद यही कहते हैं इसको, बिकॉज आफ्टर मार्केट में मैनुअल ABS बोलते हैं। जो सिलेंड्रिकल पार्ट आप देख रहे हैं इसको मैनुअल ABS कहते हैं। आई हैवंट टेस्टेड इट। मचाले अजय भाई, मॉडल आ रहा है।